सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मीना फोगाट आज फिर आपके सामने एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम करने वाले हैं अपना अध्याय 14, गीत। कौन सा गीत? लोकगीत। आज हम करेंगे अपना लोकगीत। लोकगीत क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये कौन सी विधा है हमारी? यह है हमारी निबंध। निबंध का क्या अर्थ होता है? हमारे विचारों को बांधना, वो क्या कहलाता है? निबंध। और इसके लेखक कौन है? हमारे भगवत शरण उपाध्याय जी इनके लेखक हैं। तो आज हम इस अध्याय को शुरू करने से पहले थोड़ा सा लेखक परिचय हम जान लेते हैं। भगवत शरण उपाध्याय, इनका जन्म उजियार गांव में 1910 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1910 में। कौन से गांव में हुआ था भाई? उजियार गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1982 में। कब हुई थी भाई मृत्यु? 1982 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया था भाई? ये एक साधारण अध्यापक से लेकर मॉरिशस के राजदूत पदों तक इन्होंने क्या किया है? कार्य किया है। यानी कि एक साधारण से अध्यापक के पद पर थे ये पहले, और फिर इन्होंने कहाँ तक प्रगति की थी? ये मॉरिशस के राजदूत पद तक कार्य किया इन्होंने। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, इतिहास और पुरातत्व आदि विषयों का भी क्या किया था? गहन अध्ययन किया था। इन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं, यानी कि 100 से भी ज़्यादा पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने साहित्य लेखन के साथ साथ पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, ठीक है। इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे सागर की लहरों पर, ठूठा आम, गंगा, गोदावरी इत्यादि, ठीक है। इसके पश्चात हम चलते हैं, हमारा जो लोकगीत है, यानी कि कोई भी रचना जब हम लिखते हैं या करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो यहाँ पर लेखक का भी एक उद्देश्य है लिखने का, वो कौन सा उद्देश्य है? ये है कि भाई सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराना, यानी कि लोगों को क्या करवाना है? हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसके बारे में लोगों को बताना। यानी कि आज क्या है, आधुनिक युग है और हम अपनी सभ्यता से, संस्कृति से पिछड़ते जा रहे हैं, उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो लेखक का उद्देश्य क्या है? उस सभ्यता को, उस संस्कृति को हमें याद दिलाना है। लोकगीत कौन सी है हमारी विधा? लोकगीत क्या होता है? लोकगीत, लोकगीत होता है लोगों का गीत, यानी कि लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत। यानी कि जो सामान्य हम, जैसे हम देहात में रहते हैं या गांव में रहते हैं, वहां पर ये क्या किए जाते हैं? लोकगीत गाए जाते हैं। इनको जैसे कोई त्यौहार होता है या कोई विवाह होता है या बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम क्या करते हैं? ये गीत गाते हैं। आप सभी ने भी इन गीतों के बारे में सुना होगा, देखा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ होता है हमारा शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत क्या होता है बेटा? जिसको हम कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक। क्या कहते हैं इसको हम? क्लासिकल म्यूजिक। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्लासिकल म्यूजिक के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? साधना करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि शास्त्रीय संगीत ऐसे नहीं आता है। शास्त्रीय संगीत के अंदर क्या प्रधान होता है? ध्वनि प्रधान होती है, आवाज़ जो हमारी होती है, हमारा सुर, हमारी ताल, ये सब इसके अंदर इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? शास्त्रीय संगीत हमें सीखना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। इसको, इस संगीत से जो लोग होते हैं या हम सब क्या करते हैं? उब जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमारे जो कान हैं, हमारे जो अभ्यस्त कान नहीं होते हैं, इस कारण से हम क्या हो जाते हैं? इस संगीत से उब जाते हैं। क्यों? यह संगीतज्ञ की कमजोरी नहीं होती, यानी कि जो संगीत बनाने वाले हैं, जो संगीत देने वाले हैं हमें, उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये क्या है? हमारी जानकारी की कमी है। क्यों? क्योंकि हम शास्त्रीय संगीत के बारे में जानते नहीं हैं। लेकिन लोकगीत क्या होता है? यानी कि लोकगीत वो होते हैं जो हम हमारे ही वातावरण में बनाते हैं, हम खुद से ही बनाते हैं, खुद से ही अपनी भाषा में रचना करते हैं, तो वो हमें जल्दी समझ आ जाते हैं। जैसे हम हरियाणा से हैं तो हरियाणवी हमें जल्दी समझ आती है, जैसे राजस्थान में राजस्थानी, जैसे आजकल पंजाबी गानों का बहुत अधिक दौर चला हुआ है, तो जैसे ही हम पंजाबी गाने सुनते हैं हम उनके कल्चर के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में जान जाते हैं कि भाई ये क्या कहना चाहता है, उस शब्द का क्या अर्थ है। तो ये था हमारा लोकगीत, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। लोकगीत क्या होता है? अपनी लोच के कारण, अपनी ताजगी और लोकप्रियता के कारण ये क्या है?
बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यह सीधा जनता का संगीत होता है। लोकगीत क्या होता है भाई? सीधा जनता का संगीत, यानी कि जनता के द्वारा ही बनाया जाता है, सुनाया जाता है, किया जाता है। एक समय था जब इसको है ना शास्त्रीय संगीत से क्या माना जाता था? हे माना जाता था। हे का अर्थ क्या होता है? तुच्छ या छोटा, यानी कि उसके समान नहीं समझा जाता था, उसको महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है? आजकल इसकी उपेक्षा नहीं की जा रही है, बल्कि आजकल ही साधारण जनता में लोगों को यह पसंद आने लगा है, यानी कि लोकगीत अब लोकप्रिय होता जा रहा है। अब आता है कि भी लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या का हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा देश क्या है, विविध भाषाओं को बोलने वाला है, जिसके कारण हम ये संगीत जो है, ये गीत जो है, उनकी संख्या हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश क्या है, अनेक राज्यों में, अनेक जिलों में बटा हुआ है, और सभी का अपना अपना गीत होता है, अपना अपना संगीत होता है। जैसे सबसे पहले है हमारा आदिवासी गीत। आदिवासी गीत क्या होते हैं, यानी कि जो आदिवासी जाति है वो गाते हैं। यह ज्यादातर कहाँ कहाँ गाया जाता है? मध्य प्रदेश में, दक्कन में और छोटा नागपुर में ये क्या गाए जाते हैं? आदिवासी गीत। और इनके क्या नाम है? गोंड खांड, ओराव मुंडा, भील संताल, ये फैले हुए हैं। और ये क्या है भी? जो नियम होते हैं जीवन के, उनके अंदर नहीं बंधे हुए होते हैं। इनके गीत और नाच साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं, यानी कि साथ साथ गाते हैं और साथ साथ क्या करते हैं, वो नाचते हैं। उसके पश्चात आता है हमारा पहाड़ी गीत। पहाड़ी गीत भी अपने अपने अलग अलग रूप के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है, यानी कि यह कहाँ पर गाया जाता है? गढ़वाल, किन्नौर, गढ़वाल में, किन्नौर में या और कांगड़ा में ये गीत गाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया है? पहाड़ी गीत ही पड़ गया है। फिर आते हैं हमारे गांव और देहात के गीत। जैसे कि गांव में गाए जाते हैं, देहात में गाए जाते हैं, वो वास्तविक लोकगीत होते हैं। वो क्या होते हैं? वास्तविक लोकगीत। इनका संबंध देहात की जनता से होता है, यानी कि इन गीतों का संबंध किससे होता है? देहात की जनता से। इनमें कौन कौन से आते हैं? जैसे चैता है, कजरी है, बारहमासा। ये बारहमासा जो गीत होते हैं ना, वो कौन गाते हैं? आदमी गाते हैं, लेकिन स्त्रियां भी साथ में इनके गाती हैं। और कौन से होते हैं? सावन के गीत होते हैं। जैसे सावन महीना आता है, तब स्त्रियां नदी पर नहाने के लिए जाती थी, वहां पर नहाती थी, और जाते वक्त भी गीत गाती थी, नहाते वक्त भी गीत गाती थी, आते समय भी मिलजुल कर वो गीत गाती थी। ये सब हमारे क्या है? देहाती गीत होते हैं। और ये ज्यादातर कहाँ पर गाए जाते हैं? मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में ये सारे गीत गाए जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आता है हमारा, ये जो है हमारे उत्तर प्रदेश के गीत। कौन कौन से हैं? जो हमारे चैता, कजरी, बारहमासा, ये सभी कहाँ पर गाए जाते हैं? मिर्जापुर में, बनारस में, उत्तर प्रदेश में ये सारे गीत हमारे गाए जाते हैं। फिर आता है हमारा बंगाल के गीत। बंगाल के कौन कौन से होते हैं हमारे प्रसिद्ध? कौन से हैं? बाउल और बतियाली। बाउल और बतियाली गीत कहाँ पर गाए जाते हैं? बंगाल में गाए जाते हैं। इसके साथ साथ हमने जो देहाती गीत होते हैं वो क्या होते हैं भाई? कोरी कल्पना के ऊपर आधारित नहीं होते, बल्कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के होते हैं उनके ऊपर आधारित होते हैं। उसके पश्चात है हमारा पंजाबी गीत। पंजाबी गीत क्या होते हैं? पंजाब में माहिया। पंजाब में क्या है भाई? माहिया, हीर रांझा। आप लोगों ने हीर रांझे की कहानी तो सुनी होगी। माहिया है, हीर रांझा है, सोहनी महिवाल है, जो आजकल भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इनसे संबंधित गीत, इनसे संबंधित गाने पंजाब में गाए जाते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान में कौन से गाए जाते हैं? ढोला मारू। राजस्थान में कौन से हैं भाई? ढोला मारू गीत गाए जाते हैं। उसके पश्चात हमारा जो देहाती गीत है, वो हमने बताया कि भी देहाती जो गीत होते हैं हमारे, उनका राग भी क्या होता है? साधारणतः पीलू, सारंग। देहाती गीतों का कौन सा होता है भाई? पीलू है, सारंग है, ये क्या होते हैं? इनके राग होते हैं। दुर्गा, सावन, ये सब क्या है? जो हमारे देहाती गीत हैं उनका क्या होता है? राग होते हैं। और ये गीत
कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत अधिक गाए जाते हैं। इसके पश्चात है हमारा ये गीत क्या करते हैं, हमें ये जो लोकगीत होते हैं वो गांव और इलाकों की बोलियों के अनुसार ही गाए जाते हैं और ये हमें बहुत अधिक आनंदित करते हैं, खुशी देते हैं। इनके साथ साथ फिर आता है हमारा भोजपुरी के गीत। भोजपुरी में कौन सा है भाई, विदेशिया जो हमारा गीत है वो बहुत अधिक प्रसिद्ध है और कब से प्रसिद्ध हुआ है वो 30-40 वर्षों से, यानी कि ये कब से प्रसिद्ध हुआ है 30-40 वर्षों से ही प्रचलन में ज्यादा आया है। कौन सा गीत है वो हमारा भोजपुरी। इसमें क्या करते हैं कि भी देहात में एक समूह बना लेते हैं, यानी कि गांव में क्या कर लेते हैं, समूह बना लेते हैं। और कौन से जिलों में ये विशेषकर पाया जाता है, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने यहाँ पर बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं है। कौन से, यानी कि जो भोजपुरी के साइड में है वहाँ पर यही गीत मान्य होते हैं, ज़्यादातर यही देहाती गीत विदेशिया ही गाया जाता है। उसके पश्चात है ये गीत किससे भरे हुए होते हैं, करुणा से और विरह से भरे हुए होते हैं। करुणा और विरह, विरह क्या होता है, अलग होना, यानी कि जब जहाँ पर अलग होना, जो विरह की पीड़ा होती है, अलग होने की जो पीड़ा होती है, करुणा यानी कि जो हमारी दया होती है, तो ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भोजपुरी में ही पाए जाते हैं। और इनके अंदर कौन सा गुण होता है, विरह का गुण होता है, यानी कि अलगाव का, जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि एक दूसरे की याद जब हमें आती है। विरह का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की याद, यानी कि जब हम अलग होते हैं तो क्या होती है, हमें पीड़ा होती है, विरह की भावना आती है, हमारे अंदर करुणा होती है, दया। ठीक है, तो ये गीत कौन से होते हैं, भोजपुरी के। फिर आता है हमारा जंगल की जातियों में जो आदि के भी दल गीत होते हैं, यानी कि जो जंगल की जातियों में रहते हैं, जो दल बनाकर रहते हैं, उनके भी गीत होते हैं। जो कौन से होते हैं, बिरहा में गाए जाते हैं। किस में गाए जाते हैं, बिरहा में गाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, पुरुष एक ओर बैठ जाते हैं और स्त्रियां दूसरी तरफ बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के जवाब में क्या करते हैं, दल बना लेते हैं और क्या करते हैं, गीत गाते हैं। इसके कारण क्या होता है, चारों दिशाएं गूंज उठती हैं। उसके पश्चात है हमारा बुंदेलखंडी गीत। बुंदेलखंडी गीत कौन से होते हैं, यानी कि जो सबसे पहले ये चंदेल राजाओं के कौन थे, राजकवि थे भाई, जगनीक। कौन थे राजकवि, आपने नाम भी सुना होगा, राजकवि जगनीक। राजकवि जगनीक थे, उन्होंने क्या किया था, आला उलद की वीरता का, किसका भाई, आला उलद, जो आला उलद थे उनकी वीरता का अपने महाकाव्य में वर्णन किया है, यानी कि बुंदेलखंडी राजकवि कौन है, जगनीक है। और कौन ये जिस क्या किया था इन्होंने, इन्होंने अपने महाकाव्य में आला उदल की वीरता का वर्णन किया था और निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उनके विषय को दूसरी देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में इनको लिया है। तो ये जो थे हमारे बुंदेलखंडी गीत जो थे वो किसने किए हैं, राजकवि जगनीक ने। इन गीतों को गाने वाले के ढोलक के लिए गाते फिरते, यानी कि इन गीतों को किस प्रकार से गाते हैं, ढोलक को साथ में लेकर घूमते हुए, ढोलक को साथ में लेकर घूमते हुए गाया जाता है। उसके पश्चात है हमारा बहुत से असंख्य गीत होते हैं। कौन से होते हैं भाई, बहुत से असंख्य गीत होते हैं और जिनको कौन गाते हैं, औरतें गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही हैं, सृजती हैं यानी कि निर्माण करती हैं, बनाती भी कौन है, स्त्रियां ही हैं। निर्माण करना या बनाना कौन करती है, वो स्त्रियां ही करती हैं। जैसे कोई त्यौहार आ जाते हैं नदियों में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भी नाते समय और या कोई विवाह होता है या कोई जोनार होता है और जब संबंधियों को यहाँ हमारे यहाँ भी हमें देखने को मिलता है, जब शादी होती है तो संबंधी यानी कि एक दूसरे के रिश्तेदार जब आते हैं तो उनको प्रेम युक्त गाली देने के लिए भी गीत गाए जाते हैं। कोई जन्मदिन होता है उसके ऊपर भी गाए जाते हैं और ये सब कौन गाती हैं, स्त्रियां गाती हैं। और ये गीत कब से चले आ रहे हैं, प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। और इनको किन्होंने, महाकवि कालिदास ने, किन्होंने भाई, महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथों में इन गीतों का हवाला, ये जो महाकवि कालिदास ने जो गीत बनाए हैं उनमें सोहर, बानी, सेहरा, कौन कौन से हैं भाई, सोहर, बानी, सेहरा, सोहर, बानी, सेहरा,
गीत गाए जाते हैं। वैसे तो बारहमास जो गीत होते हैं वो पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी गाती हैं। और एक विशेष बात होती है इन साधारण गीतों में, ये क्या गाए जाते हैं भाई, अकेले नहीं गाए जाते बल्कि दल बनाकर समूह बनाकर गाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, सभी कंठ मिलकर यानी कि सभी गले मिलकर एक साथ गाते हैं, एक साथ फूटते हैं और उनमें मेल नहीं होता। यानी कि जो ये देहाती गाने होते हैं, गाँव के गाने होते हैं, उनमें मेल नहीं होता का मतलब क्या होता है कि भाई उनके अंदर जो सुर होना चाहिए, जो ताल होनी चाहिए, जो लय होनी चाहिए वो नहीं होती, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं त्योहारों पर या शुभ अवसरों पर ऐसे ही गाते हैं। और वैसे गांवों में और नगरों में क्या होती है, गायिकाएं भी होती हैं जिनको विवाह के अवसर पर या जन्मदिन पर या कोई हमारा त्यौहार होता है उसके ऊपर बुलाया जाता है। और यहाँ पर क्या खास बात होती है, सभी ऋतुओं में यानी कि चाहे कोई भी ऋतु हो उसमें अलग अलग ऋतुओं में स्त्रियाँ जो होती हैं वो खुश होकर अपना दल बनाकर क्या करती हैं, गाती हैं। जैसे होली हो गया, बरसात की कजरी हो गई आदि, तो उनकी क्या होती है अपनी खुद की चीज़ होती है, सुनते वो जो गाने होते हैं, जो गीत होते हैं वो सुनते ही बनते हैं। उसके पश्चात है हमारा पूर्व की बोलियाँ। पूर्व की बोलियों में कौन से है भाई, अधिकतर मैथिल कोकिल के। मैथिल कोकिल कौन है भाई, विद्यापति। मैथिल कोकिल किस नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन से थे हमारे पूर्व की बोलियों में, यानी कि जो हमारी पूर्व की बोलियां होती हैं उनमें मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। सारे देश के यानी कि हमारे संपूर्ण देश के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, काठियावाड़ से, गुजरात, राजस्थान से, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। यानी कि सभी का अपना अपना राग होता है, सभी का अपना अपना गीत होता है। हमारे पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी चारों दिशाओं में सभी अपने अपने गीत के लिए विद्यापति हैं। स्त्रियां क्या करती हैं, ढोलक की मदद से क्या करती हैं, गीत गाती हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गीत गाती हैं। गुजरात में भी एक और गीत गाया जाता है। गुजरात में क्या किया जाता है भाई, गरबा किया जाता है। गुजरात में कौन सा है, एक प्रकार का गायन है ये, कौन सा है, गरबा। और इसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर क्या करती हैं, औरतें गाती, यानी कि घेरे में घूम घूम कर वो क्या करती हैं, गीत गाती हैं। और साथ ही लड़कियां भी क्या करती हैं, गाना बजाती हैं और जो बाजे का काम करती हैं, नाच गान साथ साथ चलते हैं। और यह एक यानी कि इसमें गरबा में क्या होता है, गाने के साथ साथ नाच भी होता है। और इसको कैसे गाते हैं, समूह में एक घेरा बनाकर गाया जाता है और गाने के साथ साथ बजाया भी जाता है। इस प्रकार जो हमारे गाने होते हैं उनका पुट होता है, उनका क्या होता है भाई, एक पुट होता है यानी कि एक अंश होता है। क्या होता है, पुट अंश, यानी कि उनका भी एक पुट होता है, एक भाग होता है, एक अंश होता है प्रत्येक गाने का उनके नाच के साथ। इसमें इस प्रकार होली के अवसर पर ब्रिज में रसिया चलता है। ब्रिज में क्या चलता है भाई, ब्रिज में रसिया, ब्रिज में रसिया चलता है। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है वहाँ, इठला इठला कर का मतलब क्या होता है, पूरी मस्ती के साथ। इठला इठला कर का मतलब क्या होता है, इठला इठला कर यानी के पूरी मस्ती के साथ। इठला इठला कर लहराता है वहाँ, भला आनंद के स्रोतों की कोई कमी हो सकती है। यानी कि कवि हमसे, लेखक हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि भाई जहाँ पर जीवन इठला इठला कर चलता है अर्थात मस्ती से भरा हुआ होता है, वहाँ पर जो गीत के संगीत के स्रोत होते हैं क्या उनकी कमी हो सकती है, नहीं। उद्यम जीवन के प्रतीक, यानी कि ये जो गीत होते हैं वो उद्यम जीवन के क्या हैं, प्रतीक हैं, चिन्ह हैं। उद्यम जीवन के क्या हैं ये, प्रतीक, प्रतीक मतलब चिन्ह, निशान, क्या है ये, उद्यम जीवन के। उद्यम का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र, या हम जिसको बोल सकते हैं बंधनहीन। ये क्या होते हैं हमारे, बंधनहीन है। यानी कि ये जो गीत गाते हैं हम, ये जो लोक गीत होते हैं जो देहात में और गांव में ज़्यादातर गाया जाता है, वो बंधनहीन होता है, स्वतंत्र होता है, जिसको हम अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग बदलाव कर सकते हैं और उनको गाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह था हमारा लोकगीत जिनको हमने बहुत अच्छे से समझा और जाना। यदि फिर भी आप लोगों को कोई यहाँ पर समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।